कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको 3-5 पिन सॉकेट के कनेक्शन करना सिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तीनों सॉकेट के एक एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 3 सॉकेट ले रखे हैं मैंने। आपको क्या करना है, ये मान के चलिए ये इस तरह है। आपको यहाँ पर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं और दूसरी साइड के तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने। अगर यहाँ 4 सॉकेट होते तो आप चारों इस तरह कनेक्ट करते। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक सॉकेट का मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, और एक सॉकेट का ये पॉइंट ले रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2 सॉकेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब तीसरे सॉकेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसका यहाँ पर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब बाकी बचे 3 पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक कलर की वायर का यूज़ कर रहा हूँ अलग 3 पॉइंटों के लिए यहाँ पर मैं। यहाँ पर 2 सॉकेट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 सॉकेट अब हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम मेन वायर निकालेंगे। एक मेन वायर हम इस पॉइंट से निकालेंगे, एक मेन वायर हम इस पॉइंट से निकालेंगे। इस पॉइंट से हम मेन वायर न्यूट्रल की निकालेंगे और इस पॉइंट से हम फेस की निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों रेड कलर की वायर जो मैं ले रहा हूँ वो फेस की वायर है, जो कि मैं वाइट कलर की वायर के साथ से निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर की वायर हमारी यहाँ पर फेस की वायर है। अब मैं यहाँ न्यूट्रल की वायर निकाल रहा हूँ। न्यूट्रल की वायर हम ब्लैक कलर की वायर में से किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे यहाँ पर टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक CFA ले रहा हूँ, जिसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये तीनों हमारे डायरेक्ट कनेक्ट हैं। ये देखिए, इसी तरह ये पॉइंट, ये देखिए इसी तरह ये पॉइंट। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।